नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। कोरोना वायरस अब भी अपना खौफ बनाए हुए है और इसके कारण कई जगह पर काम बंद है। हालांकि फिल्मों और टीवी की शूटिंग कुछ जरूरी गाइडलाइंस के साथ शुरू की जाने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद अब धीरे धीरे स्टार्स शूटिंग के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के कुछ उम्रदराज कलाकार काफी खफा दिखाई दे रहे हैं। वजह है 65 साल से ऊपर के कलाकारों की शूटिंग पर रोक लगना। जी हाँ, फिल्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने 65 साल से ऊपर के कलाकारों के लिए शूटिंग पर ना जाने का नियम लागू करवा दिया है। उनके इस नियम के कारण अब फिल्म इंडस्ट्री में नया विवाद शुरू हो गया है। शबाना आजमी, परेश रावल जैसे कई कलाकार इस फैसले से सहमत नहीं है और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने इस मामले को लेकर अपना गुस्सा जताते हुए इस नियम को भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा कि विकास खन्ना के द्वारा बनाई जा रही फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा अभी उनका शूट होना बाकी है। अब क्या होगा इस प्रोजेक्ट का? क्या निर्माताओं को जवान कलाकारों के बाल सफेद करके उनसे अभिनय करवाना चाहिए? और ये नियम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर ही क्यों लागू है, राजनीति पर क्यों नहीं? ऐसे में तो उन्हें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 65 साल से ऊपर का कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक रैली में शामिल नहीं होगा या घर से बाहर नहीं निकलेगा। शबाना आजमी के अलावा कई कलाकारों ने अपनी बात रखी है, जैसे एक्टर परेश रावल, जिन्होंने इस मामले पर कहा कि फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि फिल्मों के सेट पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करवाएं और लगातार सेट को सैनिटाइज करवाते रहें। बहुत से ऐसे डॉक्टर और नर्स हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने में लगे हुए। वो तो कलाकारों से भी बदतर स्थिति में है। बताते चले कि इनसे पहले एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर जारी होने वाली हर एडवाइजरी में 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों से घर के भीतर ही रहने को कहा जा रहा है। लेकिन इन सितारों की नाराजगी के बाद अब देखना यह होगा कि क्या बुजुर्ग कलाकारों के लिए बनाए गए इस नियम में कोई बदलाव किए जाते हैं या नहीं।